नमस्कार दोस्तों, हर किसी व्यक्ति के लिए कोई ना कोई दिन खास रहता है या फिर वह तारीख हो जिस तारीख को वह उसे कुछ नया मिला हो तो उसके लिए वह तारीख और वह दिन बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ डेट या दिन खराब माने जाते हैं क्योंकि वह लोग जिस दिन कुछ गलत हो जाता है तो उस दिन को वह अपने लिए बहुत बुरा साबित समझ लेते हैं। ऐसे ही बात मैं आज करने वाली हूँ 13 तारीख की। माना जाता है कि 13 तारीख यदि शुक्रवार की पड़ती है तो यह दिन बहुत खराब माना जाता है। तो जानते हैं क्या पुराणों में भी 13 तारीख को बहुत बुरा माना जाता है? लेकिन अगर कहा जाए तो पुराणों के अनुसार 13 तारीख को बड़ा ही शुभ मानते हैं, लेकिन अलग अलग विचारधाराओं की अलग अलग कल्पना है। ऐसी ही मान्यता मानी जाती है ग्रीक देश में 13वें दिन जीसस जी पैदा हुए थे, इसलिए इस दिन को बड़ा ईमानदारी और पावक माना जाता है, यानी कि पवित्र माना जाता है। फिर भी लोगों की मान्यता यह है कि 13 तारीख बहुत ज्यादा अशुभ मानी जाती है। लेकिन यदि 13 तारीख पुराणों के अनुसार देखी जाए तो 13 तारीख शुक्रवार की पड़ने पर यह दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है। 13 तारीख एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये है कि 13 तारीख किसी से भी विभाजित नहीं होता, यानी कि भाग नहीं होता। 13 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से ही डिवाइड होता है, तो इसलिए इसे समापन भी माना जाता है क्योंकि यह अपने में ही एक विशेषता बताता है, किसी और के भाग में नहीं आता, तो यह समापन का प्रतीक माना जाता है। थाई एक नया साल है, यानी कि जैसे हमारे देश में नया साल 1 तारीख न्यू ईयर मनाते हैं, वैसे ही थाई देश में 13 अप्रैल को न्यू ईयर मनाया जाता है। उस दिन वह उनके लिए बहुत ज़्यादा खास होता है और वह उस दिन की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं। कहते हैं यदि ये तारीख शुक्रवार की पड़ जाती है तो जीवन में नई खुशियाँ, नई कार्य और नए व्यवसाय भी खुल सकते हैं, तो इसलिए लोगों को लगता है कि 13 तारीख कुछ ज़्यादा ही खास है। अगर उनके जीवन में यह दिन आए तो उनके जीवन की तो कल्पना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इंसान को पता है कि उसकी कल्पनाएं कितनी है और चाहत कितनी है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास सारे कारोबार हो ताकि वह अपनी जितनी भी चाहत है उन्हें पूरा कर सके, तो इसलिए वह 13 तारीख को कुछ ज़्यादा ही खास मानते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देखा जाए तो 13वें दिन बहुत ज्यादा खास माना जाता है हिंदू धर्म में। 13वां दिन त्रयोदशी का होता है, जिस दिन हम प्रदोष व्रत रखते हैं जो महाशिवरात्रि के रूप में रखा जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे खास दिन प्रदोष व्रत का होता है, और वह भी तो 13वें दिन ही पड़ता है, क्योंकि त्रयोदशी तभी आती है जब 13 तारीख आती है, उसी को तो त्रयोदशी कहा जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। यदि आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है और अपने जीवन में खुशियां लेकर आनी है तो प्रदोष व्रत करने से भी आपको बहुत सारे फल मिलते हैं, और प्रदोष व्रत 13 तारीख को ही रखा जाता है, यानी कि त्रयोदशी के दिन ही, और इसके बहुत अचूक फल होते हैं। अगर आपको भी यह फल चाहिए तो उसके लिए आपको प्रदोष व्रत के लिए भी नियम करने पड़ेंगे, जिससे आपको नई खुशियाँ, बच्चों के लिए नई पढ़ाई, व्यवसाय और भी सारी सामग्री, जैसे कि आपकी जितनी भी चाहत है उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो प्रदोष व्रत से आप सफल कर सकते हैं। इसलिए 13वां दिन बहुत ज़्यादा खास होता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देखा जाए तो 13वें दिन उनकी सबसे अच्छी महत्वपूर्णता बताता है। यह है वह तारीख 13 तारीख जो है खास सब लोगों के लिए। किसी भी धर्म में 13 तारीख शुक्रवार की अगर पड़ती है तो वह बहुत ज़्यादा खास मानी जाती है, लेकिन इसे कोई अशुभ नहीं मानता। पुराणों के अनुसार भी इसे शुभ ही माना जाता है। तो यह सिर्फ लोगों की कल्पनाएं हैं कि 13 तारीख या कोई दिन उनके लिए शुभ या अशुभ है। इंसान को अपनी चाहत के लिए कर्म करने पड़ते हैं, जो कर्म के अनुसार ही उन्हें फल मिलते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।